हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सब जानेंगे यूट्यूब से कौन सी वीडियो डाउनलोड करें जिसको रीयूज करने पर हमें कॉपीराइट या कम्युनिटी गाइडलाइन जैसी समस्या से जूझना ना पड़े। दरअसल होता क्या है कि कभी कभी हम अपने वीडियोज में किसी दूसरे व्यक्ति के वीडियो का क्लिप यूज करते हैं और उसे YouTube पर पब्लिश करते हैं तो हमें कॉपीराइट स्ट्राइक और कम्युनिटी गाइडलाइन नोटिस आ जाती है, जिसके कारण मेरा चैनल कभी कभी बंद भी हो जाता है। तो आज के हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि कौन सी वीडियो डाउनलोड करें YouTube से और उसको YouTube पर अपलोड करें जिसके कारण हमें कॉपीराइट स्ट्राइक या कम्युनिटी गाइडलाइन ना आए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं सुजय और आप देख रहे हैं सुजय इन्फोटेक। सबसे पहले आपको जाना है अपने YouTube में और जो भी वीडियोज आपको चाहिए, जिस प्रकार की वीडियोज, उसे आपको इस सर्च फिल्टर में जाकर सर्च कर लेना है। जैसा कि हम यहाँ पर सर्च कर ले रहे हैं, एक हमको चाहिए ड्रोन का फुटेज, तो हम यहाँ ड्रोन फुटेज सर्च किए। आप देख सकते हैं सर्च हो रहा है, हमारे सामने यहाँ पर बहुत सारे ड्रोन द्वारा खींचा गया फुटेज दिखाई दे रहा है। तो हमको इनमें से वो फुटेज चाहिए जिसको हम अपने वीडियो में यूज कर सकते हैं और कॉपीराइट स्ट्राइक भी नहीं आना चाहिए। तो अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कॉर्नर में ऊपर माइक के बगल में आपको इक्वलाइजर की तरह का एक आइकन बना है, तो सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है और एक यहाँ पर क्रिएटिव कॉमन का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको हाईलाइट कर देना है, यानी कि टिक कर देना है। सबसे पहले आपको बता दें कि क्रिएटिव कॉमन क्या होता है। क्रिएटिव कॉमन वह लाइसेंस है जो यूट्यूब देता है। इस लाइसेंस में अगर कोई भी यूट्यूबर अपना वीडियो अपलोड करता है तो उसके वीडियो को कोई अन्य व्यक्ति जितना बार चाहे उतना बार उसे रीयूज कर सकता है, अपने कमर्शियल यूज के लिए उसे कमा सकता है। तो सिंपल आप इस क्रिएटिव कॉमन पर क्लिक करें और अप्लाई करें। अप्लाई करने के बाद आपके सामने वो सारी वीडियोज आ जाएंगे जिसे आप रीयूज कर सकते हैं और आपको कॉपीराइट भी नहीं आएगा। तो अभी आप देख पा रहे हैं सेकंड में एक वीडियो है, हम इसे ही लेते हैं और इसके जो लाइसेंस हैं हम आपको दिखाते हैं। इस वीडियो को आप अपने वीडियोज में यूज कर सकते हैं। देख सकते हैं ये वीडियोज को हमने लिया और इस पर क्लिक किया इसके डिस्क्रिप्शन पर, तो यहाँ पर ये टोकरी देख रहे हैं फिल्म एनिमेशन और लाइसेंस यहाँ पर लिखा है क्रिएटिव ऑन कर देते हैं और यहाँ पर एक और कॉस्ट में लिखा हुआ है रीयूज अलाउ, यानी कि हम इस वीडियो को रीयूज कर सकते हैं, यानी कि जो भी ये वीडियो अपलोड किया है उन्होंने हमें परमिशन दिया है और यूट्यूब ये हमें परमिशन दिया है कि आप इस वीडियो को रीयूज कर सकते हैं। तो इस तरह के वीडियोज अगर आप अपने वीडियो में एडिटिंग के दौरान लेते हैं और उसे फिर से यूट्यूब पर अपलोड करते हैं तो आपको कॉपीराइट स्ट्राइक और कॉपीराइट गाइडलाइन नहीं आती है। तो कुछ इसी तरीके से था, इसी तरीके के वीडियोज आप यूट्यूब से डाउनलोड करके अपने वीडियो में एडिट कर सकते हैं। तो आई होप यह जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अब तक भी इस वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए और अपना कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा सलाह सुझाव जरूर बताइएगा यह वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में, तब तक मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।